हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी को ज्ञात है कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 क्लास 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है। तो जो रिजल्ट घोषित किया गया है और जो भी अंक मिले हैं, तो उन अंकों से काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नंबर मिल गए हैं, उनके सोचने से भी ज़्यादा उनको नंबर मिल गए हैं, तो वे स्टूडेंट्स प्रसन्न हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी कम नंबर मिल गए हैं, उनके सोचने से भी ज़्यादा उनको कम नंबर मिल गए हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि हम अपने नंबरों को कैसे बढ़ाएँ जिससे उनके मार्क्स अच्छे आ जाएँ। ठीक है, तो एक दो स्टूडेंट्स का कमेंट भी मेरे पास आ चुका था। तो देखिए, आपकी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर आज एक नोटिस जारी हुई है कि जो स्टूडेंट्स अपने अंकों से असंतुष्ट हैं, तो वो अपने नंबरों में कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं। चलिए, आपको हम ले चलते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर और आपको दिखाते हैं कि क्या नोटिस जारी हुई है। तो यहाँ पर गूगल पर सर्च करेंगे यूपी MSP उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आएगी इस पर जो है हम क्लिक कर देंगे भाई, और उसके बाद हम लेकर चल रहे हैं आप लोगों को। देखिए भाई, क्या नोटिस जारी हुई है, तो इसमें ये बताया जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये नोटिस जो है आपकी 5/8/2021 को जारी हुई है, और इसमें क्या बताया जा रहा है देखिए, पढ़ लीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 के घोषित हुए हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम से जो परीक्षार्थी असंतुष्ट हैं और पुनः बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, वे तत्काल इस आशय का अपना प्रार्थना पत्र अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को तुरंत दे दें। प्रधानाचार्य ऐसे परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक एवं आवेदित विषयों को परिषद की वेबसाइट पर विद्यालय लॉगिन के माध्यम से दिनांक 16 अगस्त 2021 से 31 अगस्त 2021 तक अपलोड कराएंगे। वर्ष 2021 के ऐसे परीक्षार्थी आगामी परीक्षा में निःशुल्क सम्मिलित हो सकते हैं, यानी उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए। इनका जो भी परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, जैसे ये एग्ज़ाम देते हैं 2022 वाले स्टूडेंट्स के साथ, ठीक, तो इनका जो भी परीक्षा फल आएगा, ठीक है, या जो भी परीक्षा फल घोषित किया जाएगा वह वर्ष 2021 का ही माना जाएगा, या वर्ष 2022 का नहीं माना जाएगा कि आप 2022 में पेपर दोगे तो 2022 का माना जाएगा, ठीक, वो 2021 का रिजल्ट ही माना जाएगा। आप 2022 में पेपर दे करके अपने नंबर जो है बढ़ा सकते हो। तो ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है, तो जो स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हैं, तो वो जो है इस बार अपने बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं दोबारा इंटर के, ठीक है, जिन भी विषयों में उनके ज़्यादा नंबर कम हैं। तो ये थी भाई ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी, तो हमने सोचा कुछ स्टूडेंट्स परेशान हैं तो उनके लिए वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।